everyone, welcome back. Happy New Year to all of you. I hope ये coming year सबके लिए बहुत सारी happiness लेके आए. तो चलिए हम इस year की शुरुआत करते हैं इस beautiful cake के साथ. देखिए कितना beautiful cake है. इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर chocolate cake बनाया है, जिसको मैंने decorate किया है Swiss meringue icing के साथ. Usually हम केक में अमेरिकन बटरक्रीम आइसिंग यूज करते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट यूज किया है. स्विस मेरिंग यूज किया है, जो कि थोड़ी सी सिल्की होती है, लेस स्वीट होती है. तो चलिए देखते हैं इस केक को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कितना इजी है इसको डेकोरेट करना. लेट्स गो. सबसे पहले हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं. इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, जिसको हम छान लेंगे. 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफी. कॉफी से चॉकलेट का फ्लेवर जो है वो एनहांस हो जाता है. 1/2 कप कोको पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर. इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे, इसके बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे. अब हम इसको साइड में रख देते हैं और अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने 3/4 कप ग्रैन्यूलेटेड शुगर ली है, 1 कप बटर मिल्क लिया है. बटर मिल्क बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए. अब हम शुगर को बटर मिल्क के साथ तब तक मिक्स करेंगे जब तक अच्छे से शुगर हमारी मेल्ट ना हो जाए. यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 होल एग्स को और 1 एग व्हाइट. सभी को अच्छे से विस्क कर लेंगे. अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ. अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप अनसॉल्टेड बटर और 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल यहाँ पर हम इसलिए यूज करें क्योंकि वेजिटेबल ऑयल से हमारा जो केक है वो काफी मॉइस्ट रहता है. इवन जब आप उसको फ्रिज में भी रखेंगे उसके बाद भी आपका जो केक है वो मॉइस्ट रहेगा. ये देखिए, हमें बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखनी है. यहाँ पर मैं 6 इंच का पैन ले रही हूँ. मैं यहाँ पर 2 पैन ले रही हूँ. मेरे पास 6 इंच के 2 पैन नहीं थे, इसलिए मैं 6 और 8 इंच का पैन ले रही हूँ, जिसको हम बटर से ग्रीस कर लेंगे. उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करके हम इसको रेडी कर लेंगे बेक करने के लिए. अगर आप 6 इंच के 2 पैन ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि दोनों में इक्वल बैटर हो, ताकि आपकी जो ब्रेड का साइज है वो सिमिलर रहे. मैंने ओवन को ऑलरेडी 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था. हम अपने केक को 375 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे. ये देखिए, केक बेक हो चुका है. अब मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी. उसके बाद हम इसको पैन में से निकाल लेंगे. ये देखिए कितना इजीली हमारा केक पैन में से निकल गया है और कितनी अच्छी लेयर बनी है और केक भी स्पॉन्जी है. आइसिंग के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक हमारा केक पूरी तरह कूल नहीं हो जाएगा. हम आइसिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे. स्विस मेरिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 एग लिए हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं. केयरफुली आपको योक और एग व्हाइट्स को अलग करना है. आप सभी एग से एग व्हाइट्स निकाल लें. 6 एग से अराउंड 215 ग्राम आपके पास एग व्हाइट्स आएगा. इसमें हमें जस्ट डबल यानी 430 ग्राम्स ग्रैनुलेटेड शुगर ऐड करनी है. अब हम एक पैन में पानी लेंगे, उसको हम गर्म होने रखेंगे. यहाँ पर हमें पैन में बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है. उसके ऊपर हम अपने एग व्हाइट्स और शुगर का जो हमने मिक्स बनाया था हम उसको रख देंगे. पानी टच नहीं करना चाहिए आपके जो शुगर बोल है उसको. इसके बाद हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक हमारी जो सारी शुगर है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाएगी. ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पर पानी को बॉईल नहीं करना है, हमें सिर्फ उसकी
स्टीम से शुगर को मेल्ट करना है। आप इसको एक बार चेक कर लें हाथ से कि अगर इसमें कोई भी दाना नहीं दिख रहा है, इसका मतलब शुगर जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। यहाँ पर मैं स्टैंड मिक्सर यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने विस्क अटैचमेंट लगाया हुआ है। आप चाहें तो हैंड विस्क मिक्सर को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस बोल में हम अपने एग वाइट्स और शुगर का जो हमने मिक्स बनाया है उसको हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है लो टू मीडियम स्पीड से। हम लो टू मीडियम स्पीड पर 7 से 8 मिनट के लिए इसको विस्क करेंगे जब तक कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। कुछ देर विस्क करने के बाद हमारी आइसिंग कलर चेंज करने लगेगी, ये व्हाइट कलर की होने लगेगी। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी आइसिंग किस स्टेज पर है। ये देखिए अभी हमारी आइसिंग में सॉफ्ट पीक्स बन रहे हैं। हमें थोड़े से फर्म पीक्स चाहिए ताकि हम इसको आराम से केक पर डेकोरेट कर सकें। अब हम इसको फिर से विस्क करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 4 to 5 मिनट्स में हमारी जो आइसिंग है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए फर्म पीक्स आने लगे हैं। नाउ इट्स टाइम टू एड बटर। मैं यहाँ पर 500 ग्राम बटर यूज कर रही हूँ जो कि रूम टेम्परेचर पे है। बटर को ऐड करते समय हमें ध्यान रखना है कि बटर को हमें छोटी छोटी ट्यूब्स में काट के डालना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आप एक साथ उसमें बहुत ज्यादा बटर ऐड ना करें। धीरे धीरे करके आप इसमें पीस बाय पीस बटर ऐड करें। यहाँ पर अभी आपको लगेगा कि वापस आपकी जो आइसिंग है वो बहुत ज्यादा लिक्विडी हो रही है, बट डोंट वरी, जब आप पूरा बटर ऐड कर देंगे उसके बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए और विस्क करेंगे तो आपकी आइसिंग जो है वापस उसी स्टेज पर आ जाएगी। ये देखिए हमारी आइसिंग ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर मैं इसको हाई स्पीड पे 4 to 5 मिनट के लिए चला रही हूँ। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर वनीला बीन्स को भी स्कूप करके डाल रही हूँ और वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो खाली वनीला एसेंस भी यूज कर सकते हैं। एसेंस डालने के बाद मैं इसको मीडियम स्पीड पर 1 से 2 मिनट के लिए चलाऊंगी। और ये देखिए हमारी आइसिंग बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको केयरफुली पाइपिंग बैग में डाल सकते हैं, आप जो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर पिंक फ्लावर बनाऊंगी इस आइसिंग से और मैंने चॉकलेट गनाश भी बनाया है यहाँ पर, जिसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ये ब्रेड बिल्कुल रेडी है, सॉफ्ट है। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप मैं यहाँ पर स्प्रिंकल करने वाली हूँ। शुगर सिरप स्प्रिंकल करने के बाद आप इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए आप इस तरह से पाइपिंग बैग रेडी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने केक को रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं पाइपिंग बैग के साथ आइसिंग करना पसंद करती हूँ, उससे मेसी नहीं होता है और इजीली आप इसको आइसिंग को स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए कितना इजीली आप आइसिंग को स्प्रेड कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ फ्रेश रेसबेरीज ऐड कर रही हूँ। फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं केक में। रेसबेरीज में इसलिए भी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो केक है वो स्टेबल रहे, वो गिरे नहीं। अच्छे से इसको स्प्रेड कर ले। उसके बाद आप केक का जो दूसरा पीस है उसको आप रख दें और अगेन आप पाइपिंग बैग से पूरे केक को अच्छे से आइसिंग करें। इस तरह से आप एजेस को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए हमारा केक की एजेस ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम टॉप पर भी आइसिंग स्प्रेड कर देंगे और उसको इवन करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए हमारा केक की जो इनर लेयर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर मैं चॉकलेट गनाश यूज कर रही हूँ। हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और यहाँ पर हम एक चॉकलेट की लेयर क्रिएट करेंगे।
अभी आपको ये काफी मेसी लग रहा होगा, बट डोंट वरी, जब आप इसको इवन करेंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। मैं यहाँ पर पूरे केक को चॉकलेट से कवर नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा पीकाबू इफेक्ट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे कुछ पार्ट पर मैं यहाँ पर चॉकलेट नहीं लगा रही हूँ। पिंक फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आइसिंग में पिंक फूड कलर ऐड कर लिया है। अब हम इसको भी एक पाइपिंग बैग में रख लेंगे। और एक बार डायरेक्टली फ्लावर बनाने से पहले हम यहाँ पर फ्लावर बनाकर देख लेते हैं। फ्लावर बनाने के लिए आपको जो पाइपिंग है उसको एकदम स्ट्रेट रखना है। जब आप एक फ्लावर बना लें उसके बाद आप हर बार पाइपिंग बैग की ट्रिप को किसी वाइप से या किसी क्लीन क्लॉथ से वाइप करें। अगर उसमें थोड़ा बहुत क्रीम रह जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आप जब फ्लावर बनाएंगे तो वो उतना क्लीन फ्लावर नहीं बनेगा। हो सकता है एक आध बार आपका फ्लावर खराब हो जाए, जैसा कि मेरा अभी फ्लावर एक खराब हुआ। ये बटर क्रीम इतनी अच्छी होती है कि आप उसको इजीली वाइप आउट करके अगेन आप फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए हमारे केक के ऊपर फ्लावर बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर फ्लावर्स का एक बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ जहां पर हमारी चॉकलेट और व्हाइट पार्ट जो है वो एंड हो रहा है। लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन जेल फूड कलर यूज किया है। इसको हम आइसिंग में मिक्स कर लेंगे और पाइपिंग बैग रेडी कर लेंगे। लीव्स बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा पाइपिंग बैग में प्रेशर नहीं देना है, और जब आप लीव को एंड करें तो आप जल्दी से पाइपिंग बैग को हटा लें। इससे आपकी लीव जो है वो काफी क्लीन बनेगी। अब मैं यहाँ पर थोड़े से कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स सेंटर में ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी एडिबल गोल्ड लीफ यूज कर रही हूँ मैं। ये गोल्ड लीफ इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। ये लीजिए, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। ट्राई करिए और एंजॉय करिए।